जाएगा तुम। घर आएगा अभी, घर आएगा अभी। मंदिर के जो द्वार है मेन गेट पे खुलता है, वहां पर हमारे दो पीएसी के जवान ड्यूटी पे थे। उनके ऊपर अचानक एक व्यक्ति हमला कर देता है, हाथ में एक लंबा सा हथियार था उसके पास, धारदार हथियार, जिससे वो हमला करता है, जिससे एक सिपाही तो तुरंत इंजर्ड हो जाता है। वो लगातार उस पर हमला करता रहता है। बाकी जब उपस्थित पुलिस कर्मी है उसको जब ये बात पता लगती है और देखता है, उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो फिर अपने हथियार को लेके गेट के अंदर भागता है और पास में ही पीएसी का पोस्ट है वहाँ जाकर हमला करने की कोशिश करता है। वहाँ पे कुछ जो उपस्थित जवान है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो लगातार हमला करता रहता है। फिर एक जवान ने हिम्मत दिखा के अनुराग नाम का हमारा पीएसी कांस्टेबल है, उसने हिम्मत दिखा के वो उसको पकड़ने की कोशिश, पास में ही धैर्य रखा पुलिस ने, वहाँ पर काफ़ी धैर्य रखा जबकि वो हमला लगातार एक धारदार सब्जेक्ट से रखा था। धैर्य रखते हुए उन्होंने फिर एक पास का बांस प्रयोग करके उसको ओवरपावर करता है। फिर पब्लिक भी आ जाती है और उसको ओवरपावर कर लेती है। जो प्रथम दृष्टया अभी पता चला है कि ये जो व्यक्ति है ये गोरखपुर का ही रहने वाला है, इसका नाम अहमद मुर्तजा है और इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इस दौरान जब ये हमला कर रहा था तो धार्मिक नारे भी दे रहा था, तो इस पूरे प्रकरण में हम किसी भी पहलू को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, खास करके हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते हैं और सभी पहलुओं पर हम छानबीन कर रहे हैं। दो हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, गोपाल गौड़ और अनिल पासवान, दोनों को चूंकि बगल में ही मंदिर का अस्पताल है उसको तत्काल वहाँ पर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ उनका फर्स्ट एड हो जाता है। वहाँ डॉक्टर्स ने बड़े अच्छे ढंग से उसको हैंडल किया, काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा था, उसको उन्होंने टाइमली ट्रीटमेंट दी जिससे वो स्टेबल हुए और स्टेबल होने के बाद उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है जहाँ उनके अग्रिम इलाज चल रही है। जो ये व्यक्ति है गिरफ्तारी के दौरान इसको भी इंजरी आ गई है, इसका वर्तमान में इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में और हमारी टीम जैसे ही इसे इलाज पूरा होता है फिर इसको हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जाएगी और घटना क्यों हुई इस बारे में।